अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ खादिम हुसैन फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 322 84 000 30। आज हम DHA मुल्तान ए ब्लॉक को आपको विज़िट करवाएंगे ताकि आपको यहाँ पे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में अपडेट किया जा सके। ये हमारी जुलाई की वीडियो है 2022 की, और ड्रोन के थ्रू हम आपको इसका सारा व्यू दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो सके यहाँ पे इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन है। ए ब्लॉक की अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसकी एक्सेस बहुत अच्छी है। मेन बोसर रोड की तरफ से अगर हम आए तो लेफ़्ट साइड पे ये दूसरा तीसरा सेक्टर बनता है, B1 और B2 के बाद जो है वो A सेक्टर है। इसकी लोकेशन बिल्कुल रोमैंजा के करीब है। अभी आप वीडियो के अंदर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो हम एक्सेस देख रहे हैं, जो ये सामने से आ रही है, ये डायरेक्ट बोसन रोड की तरफ से इसकी एक्सेस है। इसका शुरू वाला एरिया है ये ए ब्लॉक वाला। यहाँ पे इस वक्त 500, 600, 700 वाली नंबरिंग चल रही है। ये जो आप इस वक्त सामने एरिया देख रहे हैं, इसमें ये कुछ एरिया भी रहता है जिसमें अभी DHA ने डेवलपमेंट करनी है। बाकी आप कह सकते हैं इसमें 80% जो DHA ने डेवलपमेंट कर दी है, और इसका पोजेशन भी एक्सपेक्टेड है कि इसी साल इंशाल्लाह आ जाएगा। और सेकंड अगर हम बात करें, यहाँ पे कटिंग जो है वो इसमें एक कनाल और दो कनाल की कटिंग है, जो कि मोस्टली ज़्यादा प्लॉट्स जो हैं वो एक कनाल के ऊपर है, और तकरीबन 150 के करीब जो है वो प्लॉट्स इसमें दो कनाल के दिए हुए हैं। आपको पता है कि DHA मुल्तान में बड़े लिमिटेड से प्लॉट्स हैं जो दो कनाल के हैं, एक सेक्टर ए में हैं और कुछ प्लॉट्स जो हैं सेक्टर एन के अंदर हैं। तो इनकी प्राइस भी काफ़ी बेहतर है और ये लोकेशन वाइज भी काफ़ी बेहतर है। तो अभी हम ये जो एरिया देख रहे हैं, ये ए ब्लॉक का एक कनाल वाला एरिया जिसमें कमर्शियल भी आ जाता है। इसमें 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल भी हैं, और ये जो सामने आपको वाटर टैंक नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल साथ पार्क भी है, मस्जिद भी है, और ये एरिया जो है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इसको मुख्तस किया गया है। और इसके साथ बिल्कुल अगर हम लेफ्ट साइड वाला एरिया देखें तो ये B1 का एरिया है जिसमें टोटली कटिंग 10 मरला की है, और इसकी भी एक्सेस जो है वो बोसर रोड की तरफ से ही है। यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त आपको एक कनाल का यहाँ पे प्लॉट जो लोकेशन वाइज हैं इसमें, क्योंकि इसकी जो लेफ़्ट साइड वाला B1 से ऊपर वाला जो एरिया है वो बाउंड्री के करीब आ जाता है, उसके पीछे DHA की हदूद ख़त्म हो जाती है, वो बाउंड्री वाला एरिया है, वहाँ पे आपको मिनिमम भी इस वक्त कोई 88-90 की रेंज में जो है एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें अच्छा प्लॉट अगर हम देखें तो अच्छे प्लॉट की इस वक्त वैल्यू यहाँ पर 1:10 के करीब है, जिसमें कैटेगरी प्लॉट्स भी आ जाते हैं लोकेशन के हिसाब से। जो मेन बुलेवार्ड के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस डेफिनेटली चेंज होगी लोकेशन के हिसाब से, वो 1:15, 1:16, 1:17 में भी कॉस्ट करेंगे लोकेशन के हिसाब से। और बाकी अगर हम आगे चलें तो ये दो कनाल के सामने कटिंग आ रही है। दो कनाल के प्लॉट्स यहाँ पे आपको मैंने बताया बड़े लिमिटेड से प्लॉट्स हैं, रीसेल में भी बहुत कम आते हैं, तकरीबन 150 के करीब ये प्लॉट्स हैं। और इसमें इस वक्त जो प्राइस की वैल्यू चल रही है वो तकरीबन 260 से लेके 285-290 तक का रेट है यहाँ पर लोकेशन वाइज दो कनाल। और अभी एक्सपेक्टेड है कि इसी साल के एंड तक जो है यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही होगी। और ये बिल्कुल रोमैंजा के बिल्कुल साथ पहला सेक्टर है, इसके ऑपोजिट एफ ब्लॉक है और ये ए ब्लॉक है। अगर रोमैंजा के अंदर इस वक्त हम देखें तो वहाँ पे जो दो कनाल के प्लॉट्स इस वक्त बिक रहे हैं वो 7 करोड़ 6.5-7.8 की रेंज में जो है ना लोकेशन वाइज प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है उसके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, और आप प्राइस के अंदर डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर दो कनाल का यहाँ पे प्लॉट अगर आप 1 से 1.5 साल की होल्डिंग पे लेके छोड़ दें तो इसमें आपको बहुत अच्छा गेन मिल सकता है। बाकी एक कनाल में भी आपको अच्छा गेन मिलेगा। रीज़न ये है कि ये एक्सेस वाइज और लोकेशन जो है इसकी बहुत अच्छी है, रोमैंजा के बिल्कुल साथ है, गोल्फ कोर्स DHA ने ऑलरेडी जो है वो डेवलप कर दिया हुआ है। बाकी फर्दर इसके अलावा DHA मुल्तान में किसी और सेक्टर के बारे में ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जो अभी चेंज हुए हैं उसके मुताबिक कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 322 84 000 30। खादिम हुसैन फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।